वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर तीन वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। एमपी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सभी 5 संभागों और 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर जून में सामान्य बारिश 5 इंच मानी जाती है, लेकिन इस बार 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 4.25 इंच ही बारिश हो पाई है, तो जुलाई में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर तीन वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। एमपी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सभी 5 संभागों और 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर जून में सामान्य बारिश 5 इंच मानी जाती है, लेकिन इस बार 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 4.25 इंच ही बारिश हो पाई है, तो जुलाई में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर तीन वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। एमपी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सभी 5 संभागों और 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर जून में सामान्य बारिश 5 इंच मानी जाती है, लेकिन इस बार 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 4.25 इंच ही बारिश हो पाई है, तो जुलाई में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर तीन वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। एमपी में मौसम विभाग ने शुक्रवार को 18 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सभी 5 संभागों और 5 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर जून में सामान्य बारिश 5 इंच मानी जाती है, लेकिन इस बार 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 4.25 इंच ही बारिश हो पाई है, तो जुलाई में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहे हैं टाइम एट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।